हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेडिंग प्लस। तो चलिए आज की वीडियो में देखिए, अभी आज हमने एक वीकली ट्रेड लिया हुआ है, कैलेंडर का ट्रेड जो हम लोग वीकली यूजली लेते हैं, उसी ट्रेड की सारी डिटेल्स मैं आपको दूंगा और कैसे एडजस्टमेंट करना है, कब करना है, उसके बारे में मैं सब आपको बताऊंगा कि इस ट्रेड में हमें कैसे कैसे एडजस्टमेंट करना है। और देखिए, दो तीन चीजें आप समझ जाइएगा, क्योंकि समझाने की कोशिश करूंगा मैं आपको, क्योंकि इस वीक में आपका ट्यूजडे के दिन छुट्टी है, तो आपके पास जो एक्सपायरी के लिए जो डेज है वो बहुत कम है, सिर्फ 3 दिन ही आपका वर्किंग डेज है इस वीक में, मंडे, वेंसडे और थर्सडे। तो आपको जो एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे वो थोड़े अलग करने पड़ेंगे, उसकी सारी डिटेल्स मैं आपको दूंगा। और जो हमने ट्रेड भी लिया है, यूजली हम लोग एक नॉर्मल कैलेंडर से थोड़ा अलग ट्रेड लिया है, नॉर्मली हम लोग सिंगल लॉट पर पुट लेते हैं 1 लाख के कैपिटल पे। इस बार जो ट्रेड लिया मैंने वो 1 लाख के कैपिटल पे 2 लाख का पुट कैलेंडर का ट्रेड बना हुआ है, तो वो सारी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा। और एक चीज और, मेंटोरशिप का रजिस्ट्रेशन अब क्लोज होने वाला है, तो अगर आपने प्लान किया है मेंटोरशिप में रजिस्टर करने का, तो डिस्क्रिप्शन में आपको वहां से लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके रजिस्टर कर सकते हैं। और देखिए, फीस के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि नेक्स्ट मंथ से फीस बढ़ जाएगी, तो अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो वहां से अभी जो करेंटली जो प्राइस है वो 3900 है, तो उसमें आप रजिस्टर कर सकते हैं। राइट, चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, समझते हैं सारी चीजें। और एक चीज और, वीडियो को जरूर से लाइक कर दिया करें, क्योंकि सिर्फ 10% से ज्यादा लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, तो अगर ये वीडियोस जो मैं आपके लिए बना रहा हूँ ये इन्फॉर्मेटिव आपको लगते हैं, आपकी इससे हेल्प होती है, तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दिया करें। चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, समझते हैं सारी चीजें। चलिए, तो अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गए। अब सबसे पहले देखिए, मैं आपको कुछ चीजें दिखा दूं। देखिए, अभी आपको अगर देखेंगे मार्केट, आप यहाँ पे देखेंगे तो जो विक्स है वो ऑलमोस्ट आज 6% डाउन है, और जो ऑप्शन के प्रीमियम है वो प्रीमियम भी आप देखेंगे तो बहुत कम दिखेंगे आपको ऑप्शन के प्रीमियम, आपको हार्डली एट द मनी पे आपको टोटल 500 पॉइंट का प्रीमियम मिलेगा। बट अगर आप यहाँ पे देखेंगे जो मार्केट में रैली आई है आज के दिन, जो मार्केट में रैली आई है वो ऑलमोस्ट 850 पॉइंट की आई है। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम मार्केट 1000 पॉइंट की रैली ले चुका था, आप यहाँ पे देख सकते हैं, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम मार्केट 1000 पॉइंट से भी ज़्यादा की रैली ले चुका था आज के दिन में। तो देखिए, इस तरह के मार्केट कंडीशन में अगर आप नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि आपको फ्रिक्वेंटली एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। 12 की विक्स पे आप इतना बड़ा मूवमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो हमने ट्रेड लिया है, इसको आप इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने ये ट्रेड बनाए हुई है पुट के। आप यहाँ पे देखेंगे हमने 41,000 का पुट कैलेंडर बाय किया हुआ है, और ये डबल क्वांटिटी में। अगर आप टेलीग्राम, एक चीज मैं आपको और बता दूं, अगर आप ये वीडियो को देख रहे हैं तो टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि टेलीग्राम में ही ये सारे ट्रेड के अपडेट्स मैं देता हूँ कि कब एडजस्टमेंट करना है, क्या करना है, वो सारी अपडेट्स मैं टेलीग्राम में ही देता हूँ। तो अगर आपने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। राइट, अब आप यहाँ पे देखिए, मैं आपको पहले चार्ट दिखा देता हूँ, तो पहले हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग उस हिसाब से अपना एडजस्टमेंट डिसाइड करेंगे। तो आप यहाँ पे देखिए, तो आपको दिखेगा कि सबसे पहला रेजिस्टेंस जो आपके लिए है ये आपको 41,400 के आसपास ही दिखेगा सबसे पहला रेजिस्टेंस, और मार्केट ने आज 41,400 के ऑलमोस्ट टच करने के बाद फिर से वो लास्ट मोमेंट पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैं आपको चार्ट दिखा देता हूँ लास्ट 5 मिनट में, तो 5 मिनट की कैंडल अगर आप देखेंगे तो 41,400 पे, एक सेकेंड मैं आपको 5 मिनट की कैंडल दिखा दूँ, 41,400 के आसपास जब मार्केट आया था उसके बाद ही ये करेक्शन आया आपको देखने को मिला। राइट, तो अब देखिए, क्योंकि ऑलमोस्ट 41,400 के आसपास ही है मार्केट, तो हमें क्या, अब नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमारे लिए क्या है, हमारे लिए नेक्स्ट रेजिस्टेंस 42,000 का है, ऊपर की तरफ 42,000 हमारा रेजिस्टेंस है और नीचे की तरफ इस कैंडल का लो। अब ये इस कैंडल का लो इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो आज रैली आई है काफी सिग्निफिकेंट रैली थी, आप यहाँ पे देखेंगे जो रैली आई है ये सिग्निफिकेंट रैली थी, तो अगर इस कैंडल के लो के नीचे मार्केट जाता है तो मार्केट फिर से एक बेयरिश ट्रेंड में आ जाएगा। एज ऑफ नाउ मार्केट, जब तक मार्केट 40,600 के ऊपर रहता है, फिर से सुनिएगा, जब तक मार्केट 40,600 के ऊपर रहता है तब तक हम लोग बुलिश व्यू ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या रेंज बन रही है, 40,000 नीचे की तरफ हमारे पास जो रेंज बन रही है, यहाँ पे एक बार आप चार्ट देखेंगे तो आपका जो सपोर्ट बन रहा है 40,600 का है, और जो हमारा स्ट्रेट में सपोर्ट बन रहा है यहाँ पे, मतलब जो लेवल बन रहा है ब्रेक इवन लेवल, 40,900 का। तो यहाँ से मार्केट अगर नीचे की तरफ जाता है तो मैं आपको एडजस्टमेंट बता देता हूँ, पहले आप ऊपर का देख लीजिए, ऊपर की तरफ आपके पास 41,700 है, ऊपर की तरफ हमारा चार्ट के हिसाब से क्या रेजिस्टेंस बन रहा है,
आपका रेजिस्टेंस बन रहा है 42,000। तो मतलब मार्केट अगर ऊपर या नीचे कहीं पे भी जाता है तो हमें सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट करना है और उसके बाद हमारा ये जो ट्रेड है पूरा रेंज में आ जाएगा। अगर मार्केट ऊपर जाता है 41,700 के ऊपर जाता है, आपको क्या करना है, आपको सिंपली ये वाले पुट को, ये वाला जो आपने देखे, आप यहाँ पे देखेंगे तो दोनों मैंने 41,300 के भी पुट लिए सेम स्ट्राइक प्राइस पे। ये करने का रीजन सिर्फ इतना सा था, आप यहाँ पे सोचेंगे कि मैं यहाँ पे डबल क्वांटिटी कर देता तो बात तो वही होती, बिल्कुल बात वही होती, लेकिन यहाँ पे जब मैं आपको टेलीग्राम पे एडजस्टमेंट पोस्ट करता हूँ तो यहाँ पे मुझे इजी हो जाता है। अगर ये मैंने अलग अलग लॉट लिए हुए हैं तो मैं एक लॉट को क्लोज करूंगा, एक लॉट को ओपन रहने दूंगा, तो 41,300 का मेरा पुट ओपन रहेगा। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो, मार्केट ऊपर जाता है तो 41,300 का मेरा पुट, ये एक लॉट ऊपर ओपन रहेगा, और ये एक लॉट को मैं क्लोज करके ऊपर की तरफ 41,800 के आसपास का मैं एक कॉल कैलेंडर बना दूंगा, या मोस्ट प्रोबेबली अगर मार्केट बहुत ट्रेंडिंग दिखा तो मैं 42,000 तक भी जा सकता हूँ। तो उस केस में मेरे पास क्या रेंज होगी, उस केस में मेरे पास रेंज होगी 41,000 नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ 42,000 की रेंज होगी। तो हमारा जो रेजिस्टेंस है वो 42,000 पे ही है, तो हमारे पास एक बहुत बड़ी रेंज हो जाएगी इस पूरे ट्रेड, मतलब क्योंकि इस वीक में आपके पास सिर्फ 3 ही वर्किंग डेज हैं जिसमें आपको ये ट्रेड को मैनेज करना है, तो इस 3 दिन में ये ट्रेड आपका मैनेज हो जाएगा अगर आप मार्केट में फिर से कोई रैली आती है ऊपर की तरफ। तो नीचे की तरफ अगर मार्केट जाता है तो आपको क्या करना है, सिंपली अगर मार्केट नीचे की तरफ जाता है आपको फिर से इसको क्लोज करना है 41,300 को, और आपका ब्रेक इवन देख लीजिए 40,900 के आसपास है, तो आपको 40,900 के आसपास जब भी मार्केट आएगा आपको 40,800 के आसपास का एक पुट कैलेंडर बना देना है, बस इतना ही करना है इस ट्रेड में। और देखिए इस ट्रेड में एडवांटेज आपके पास ये है क्योंकि मार्केट में जो विक्स है वो बहुत लो है, तो आज की बात अलग है बट यूजली क्या होता है कि अगर विक्स लो है तो आप जो मार्केट के ट्रेंड्स है वो इतने बड़े नहीं होंगे, और सिर्फ आपको 3 दिन ही इस वीक में, इस पर्टिकुलर वीक में, इस पर्टिकुलर एक्सपायरी में आपको सिर्फ 3 दिन ही ट्रेड करना है। तो इस 3 दिन के ट्रेड के हिसाब से आपकी वो जो रेंज रहेगी वो एक सफिशियंट रेंज रहेगी, अगर मार्केट एक दिन भी साइडवेज होता है तो आपको वहां पे पूरा प्रॉफिट मिल जाएगा। सो ये एडजस्टमेंट हमको इस ट्रेड में करना है। इसके अलावा मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे देख लीजिए आप, एक ट्रेड मैंने बनाया था ये वाला कॉल के साथ, ठीक है, इसको मैंने सेव करके रखा हुआ है, ये ट्रेड देख लीजिए। देखिए अब ये तो यहाँ पे एक्सपायरी हो चुकी है इस पर्टिकुलर की, तो यहाँ पे मेरे पास ये ऑप्शन नहीं है कि मैं आपको यहाँ पे पूरा ये कैलेंडर ओपन करके दिखाऊं। अब देखिए ये एक लॉसलेस ट्रेड था, ये कैलेंडर का ही ट्रेड हमने इनिशिएट किया था, बाद में हमने इसको लॉसलेस बना दिया था। अब इसको लॉसलेस कैसे बनाते हैं, इसके ऊपर अगर आपको एक डिटेल वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, लॉसलेस कैलेंडर अगर आप लिख देंगे या लॉसलेस भी लिख देंगे तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आप लोग इंटरेस्टेड हैं, तो मैं इस स्ट्रैटेजी के ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा कि आपको देखिए कैलेंडर कब बनाना है और कब उसको लॉसलेस बनाना है, वो मतलब कंडीशन है, ऐसा नहीं है कि आप हमेशा कैलेंडर को लॉसलेस बना देंगे, वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपको कैलेंडर कब बनाना है और कब उसको लॉसलेस बनाना है वो कंडीशन अगर आप जानना चाहते हैं, वो समझना चाहते हैं कि ये ट्रेड कैसे करना है, इसमें कितना मार्जिन लगेगा, सारी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, बस आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, सो दैट कि अगर मुझे समझ में आए कि आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा, क्योंकि इस तरह की वीडियो बनाने के लिए काफी मेहनत लगती है, कम से कम मुझे 2-3 घंटे बैठ के ये सारा रिसर्च करने के बाद वीडियो बनाता हूँ मैं, ऐसी कोई भी वीडियो नहीं बना देता हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊँ ये कि आप कैलेंडर को किस तरह से लॉसलेस बना सकते हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं ये वीडियो आपके ऊपर आपके लिए बना दूंगा। और ये सारे यहाँ पे आप ये जो एडजस्टमेंट देख रहे हैं वो सारे एडजस्टमेंट मैं वही बताऊंगा जो मैंने आपके साथ टेलीग्राम में शेयर किया हुआ है ऑलरेडी, मतलब ऐसा नहीं कि मैं बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा, मैं आपको यहाँ पे जो भी इसके एडजस्टमेंट मैंने आपके साथ टेलीग्राम में शेयर किए हैं मैं वही एडजस्टमेंट इस बैक टेस्ट में करके दिखाऊंगा आपको, सो दैट कि आपको समझ में आ सके आपको कैलेंडर के ट्रेड को लॉसलेस किस तरह से बनाना है, राइट। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगी, कुछ भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, मैं जरूर से आंसर करूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं आपसे जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, सी यू सून।